नमस्कार दोस्तों, आदर्श डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो पहले देखिए, हम इसे अस्तर पे कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे साइज के हिसाब से डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, जो हम ब्लाउज बनाएंगे उसकी चेस्ट साइज 34 इंच है और इसकी तैयार लंबाई 13 इंच है, उसी हिसाब से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, लंबाई 13 इंच है तो 1 इंच से हम ज्यादा लेंगे, इस तरह 14 इंच पर निशान बना लेंगे। देखिए, शोल्डर इसका डीप गला बनाएंगे तो शोल्डर इसका 5 इंच लेंगे, आर्म होल 6 इंच। तो देखिए, जो हम गला बनाएंगे वो पान गले का शेप देंगे, तो इसे हम बुकरम पे बनाएंगे। बुकरम पे बनाएंगे तो गले का शेप अच्छा आएगा। अब देखिए, इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इसे कपड़े पर कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, अच्छे से मिलाते हुए रख के इसे कट कर लेना है। इस तरह देखिए, कपड़े पर भी कट कर लिया है। अब गले की कटिंग करेंगे तो हम बुकरम पे करेंगे। देखिए, गले की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हमने बुकरम ले लिया है और इस तरह इसको डबल फोल्ड करके लेना है। तो देखिए, गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और इसकी गहराई हम 10.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से देना है, और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ किया है और नीचे की साइड में 1/2 इंच बाहर की तरफ। अच्छे से इसको बना देते हैं। अब देखिए, इसे कट कर देंगे। इस तरह देखिए, कट कर लिया है। तो देखिए, ये जो हमने बुकरम पे गला कट किया है, इसे कपड़े पर रख के प्रेस करके इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसे उतना ही फैलाना है जितनी गले की चौड़ाई है। तो जैसे गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है डबल फोल्ड करके, तो इसकी यहाँ पर चौड़ाई 5 इंच ही रहनी चाहिए। अगर कम ज्यादा कर देते हैं तो गले का शेप खराब हो जाता है, इसलिए ये चीज ध्यान से करना है। तो देखिए, अब बाहर की साइड से इसे ज्यादा कपड़े को कट कर देंगे, बस यहाँ पर 1/2 इंच ही बचाना है। देखिए, पहले गले को बना लेंगे। तो देखिए, बाहर वाले कपड़े को इस तरह मुड़ते हुए पहले सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस पर सेंटर मार्क करेंगे, तो इसको बिल्कुल बराबर से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरह देखिए, उंगली से इसको दबाएंगे, इस पर निशान आ जाएगा। देखिए, ब्लाउज पर भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, अच्छे से मिलाते हुए रखकर सिलाई लगाना है। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद इसे कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट या 1/2 इंच कपड़ा बचाते हुए इसे कट करना है। तो देखिए, कट करने के बाद कट लगा देना है। तो अब देखिए, कट लगाने के बाद इसको इस तरह अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए, इसको अंदर की तरफ पलटने के बाद अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, गले पर सिलाई लगा दी है, गला बनके तैयार हो गया है। तो देखिए, अब इस पर हमें डिजाइन बनाना है। तो ये ब्लाउज का बॉर्डर है। तो दोस्तों, इसके पहले अगर देखिए आप हमारे
दूसरे डिजाइन के चैनल प्रीति फैशन डिजाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम डेली ही नए डिजाइन्स के वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे डिजाइन देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए बॉर्डर में जो जो कलर है उसी कलर की हमें पट्टी लेनी है और गले पर लगाकर डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन हम बहुत ही इजी बनाएंगे और बहुत ही अच्छा इसका लुक भी होगा। तो पहले देखिए हम रेड कलर, ग्रीन कलर और इस पर पीले कलर की कढ़ाई है, तो तीनों कलर की हमें तैयार पट्टी करनी है। पहले पट्टी की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, यहाँ पर हम आधा इंच की पट्टी लगाएंगे। तो गले पर, राउंड गले पर लगाना है तो और भी कपड़े पर पट्टी बनाएंगे। तो देखिए पट्टी की चौड़ाई हमें आधा इंच रखनी है, उसी हिसाब से कट करना है। अब देखिए इसको मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पट्टी पर सिलाई लगा दी है, अब इसे पलट लेना है। तो देखिए जिस तरह डोरी पलटते हैं उसी तरह इसको पलटना है। तो देखिए यहाँ पर हम सुई और धागे की मदद से इसे पलट लेंगे। देखिए पट्टी चौड़ी है तो बहुत ही जल्दी पलट जाएगी। देखिए पट्टी हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए इसी तरह से बाकी पट्टियों को भी तैयार कर लेना है। पहले इसे हम लगाएंगे। देखिए पट्टी को अच्छे से बिठाते हुए लगाना है, इसको बहुत ही खींच कर नहीं लगाना है, नहीं तो पट्टी अच्छे से नहीं बैठती है। इस तरह देखिए हमने पट्टी को लगा दिया है, आप देखते हैं कितनी अच्छी पट्टी अच्छे से बैठी हुई है। तो देखिए इस पर अब हम ग्रीन पट्टी लगाएंगे, तो उसी तरह से पट्टी को बना कर लेना है और चौड़ाई भी उतनी ही लेनी है। तो देखिए इसको भी इसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए दोनों पट्टियों के बीच में हमें 2 पॉइंट का गैप देना है। तो अब देखिए हम पीली पट्टी लेंगे और इसे भी इसी तरह से लगाना है। देखिए बस उतना ही इसमें भी गैप देना है जितना इस पट्टी के बीच में दिया है और बिल्कुल इसको भी इसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए हमने पीली वाली पट्टी को भी लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में अभी इस पर सिलाई नहीं लगाया है। तो देखिए नीचे की साइड हमें यहाँ पर अभी डिजाइन बनाना है, इसलिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो देखिए यहाँ पर हम डोरी लेंगे, तो ये हमने रेड कलर की डोरी ली है, रेडीमेड ली है। तो आप अगर यहाँ पर रेडीमेड नहीं ले रहे हो तो ये रेड वाली पट्टी जिस कलर से, जिस कपड़े से बनाई है उसी कपड़े से डोरी बनाकर भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से 3 डिजाइने बनाकर लगाना है। तो पहले हम लगा देंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर हमें 3 डोरियाँ कट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम हाथ से सिलाई लगाते हुए इसे लगा देंगे। तो इसी तरह देखिए इसको भी लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पर डिजाइनों को अच्छे से बना दिया है। अब देखिए पट्टी के बाहर वाली साइड से इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने पट्टी के बाहर वाली साइड से भी सिलाई लगा दी है। अब देखिए यहाँ पर एक बटन बनाएंगे। तो देखिए रेड वाले कलर से हमने ये बटन तैयार की है और यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से बटन को लगा देंगे और देखिए इन डिजाइनों पर भी एक एक हमें बटन लगाना है। तो देखिए हमने ग्रीन वाले कपड़े से ये बटन तैयार की है, तो इन डिजाइनों पर भी इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बटन को अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए अब ये डिजाइन बन गया है। अब दोनों साइड से बराबर दूरी पर प्लेट बना देंगे। तो अब डिजाइन हमारा बन गया है। तो अगर डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।